बीच में एक प्रभु जी को भी थोड़ी गीता के ऊपर कुछ कथा सुनाएंगे हैं, इसलिए आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। ठाकुर जी की भक्ति प्रचार करते रहे इस जगत में। हाँ, हरे कृष्णा। और जो कल है, देखो आज तो रुक्मिणी कृष्ण रुक्मिणी तैयारी है ना, कृष्ण रुक्मिणी तैयारी। देखो अभी कृष्ण रुक्मिणी सुदामा की कथा हुई अभी, और कल है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है, ये इतने बड़ी पृथ्वी का अगर सबसे बड़ा कहीं रथ यात्रा हो, सबसे पृथ्वी का बड़ा रथ यात्रा श्री रथ यात्रा है। हाँ, देखो और एक प्रभु जी देखो यहाँ पर खड़ा हुआ है ना, क्या नाम इसका नाम, श्री सुमित प्रभु, क्या नाम है, सुमित है ना। हाँ, इसका नाम बलराम है। इसलिए देखना ये बच्चा, देखना दिन भर भाग दौड़ करता है, दिन भर भाग दौड़, सारा दिन ही हमारे साथ में भाग दौड़ कर रहा है। ले आना ले जाना, इतने देखो इतने छोटे बच्चे होते हुए भी अब देखना सारा दिन भाग दौड़। इनको साथ में कुछ बच्चे लोग भी नीचे प्रसाद वितरण कर रहे थे। हाँ, इनको साथ में प्रसाद वितरण कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, इसलिए आप लोग की बच्चे लोगों का भी आशीर्वाद देना है, बच्चे लोगों का भी आशीर्वाद देना। और हमारे श्री शिवा प्रभु जी ये भी गड़ी गांव से आकर के हैं यहाँ पर दिन रात ये भी यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। और आप लोग जितने गांव वासी है, देखो कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से, आप लोगों ने हर तरह से सहयोग किया, और ठाकुर सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि आपके घर घर में भक्त लोग ने गए, कुछ ना कुछ आप लोगों ने मदद किया, तभी ये इतनी अच्छी कथा हुई। इसलिए पूरा अली गाँव के भक्त लोगों के लिए मैं ठाकुर को प्रार्थना करता, ठाकुर इनके सब शांति सुख दे, घर घर इनके वृंदावन धाम बन जाए, घर की आपकी। इसलिए आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजा, ठीक है। और देखो इसलिए हाँ देखो कल जगन्नाथ जी रथ यात्रा है। ये जो रथ यात्रा क्या है, ये रथ नहीं, ये राधा रानी के हृदय है। भगवान अपना स्वयं राधा रानी अपना हृदय में कृष्ण को बैठा करके वो द्वारका में वृंदावन ले जा रहे हैं। कहते रथ यात्रा की इतने महिमा है, कहते अगर एक बार कोई रथ के ऊपर में ठाकुर को दर्शन कर ले, एक बार केवल दर्शन कर ले, कहते जगत में फिर दो बार उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। कहते जगन्नाथ जी की जो रथ की जो रस्सी है, अगर ये रस्सी को भी एक बार कोई पकड़ लेना, उसको जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्ति मिल जाती है। रस्सी को जो पकड़ ले, कल बता रहा था ना, मैं उसी देश का भक्त हूँ, रस्सी की एक एक धागा की इतने महिमा है। जिस घर में एक धागा रहेगा ना, उसी घर में कोई भूत पिशाच घर में प्रवेश नहीं करेगा। अगर उसको ताबीज में रख लिए, जिनकी गुठन कमर में दर्द, अगर वो रस्सी को वहां बांधे, सारे बीमारी सही हो जाती है। इसलिए कल रथ यात्रा बड़े धूमधाम से, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी कल धूमधाम से। इसलिए कल आप लोग अकेले नहीं आना, पूरा परिवार को लेकर के आना, बेटा बेटी आपको बच्चे सब पति सब को लेकर के आना है। और कल 3:30 बजे हम कोशिश करेंगे जैसे रथ निकल जाए और इसी गांव में ही भ्रमण करेगा, गली गलियों में हम कोशिश करेंगे, हर गलियों में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ले जाएंगे। अब जगन्नाथ को देखना, इतने बड़े बड़े आँख हैं, जितने दूर तक उनकी नजर जाती है, पाप ताप दुख कष्ट सब खत्म हो जाती है। इतने महिमा श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की, ठीक है ना। अब कल कौन सा रंग की साड़ी पहन करके आओगे, पीला, और कोई रंग नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं हो तो उधार करके पहनना, लेकिन पहनना पीला पीला पहन करके आना, ठीक है ना। कोशिश करना पीला रंग के कपड़ा पहन करके सबके सब आना। और कल सब कीर्तन करते हुए धूमधाम से हम आली गाँव के भगवान को ले जाएंगे और सबको दर्शन कराएंगे। और देखो एक दो अनाउंसमेंट है, ये 7 तारीख को वृंदावन में अक्षय तीज है, और ठाकुर जी का पूरा दर्शन, पूरा चरण से लेकर सर तक चंदन से ठाकुर का दर्शन होता है पूरा साल में एक बार। और उसी दिन आंख बंद करके जो काम कर लो, जैसे शादी गृह प्रवेश तिथि देखना पड़ता है, लेकिन उसी दिन आंख बंद करके भी कोई काम कर लोगे ना, वो सफल हो जाता है। और उसी दिन वृंदावन में जाना, ठाकुर का दर्शन करना बड़े भाग्य से होता है। इसलिए वृंदावन में अगर आप लोग आना चाहते हो, ये प्रभु जी खड़े हो जाओ, आना चाहते हो, हमारे दो प्रभु जी है अब इनको साथ में, और तरुण यहाँ पर है, ये इन लोगों को साथ में तुम लोग बात करना, ठीक है। आप लोग नाम दे देना, और यहीं से
होगा तो जैसे जैसे 7 तारीख कल है, अगर यहाँ से रात को अगर निकल जाओगे ना बस अंदर में चली जाएगी, नहीं तो थोड़ी दूर पहले बस को रोक लेते, नहीं तो वहाँ से छोटी गाड़ी करके जाना पड़ेगा। अगर सही सही टाइम पर पहुँच जाओगे वृंदावन में चले जाओगे, जा करके वहाँ पर रुक करके वहाँ पर सवेरे वृंदावन की अगर परिक्रमा करना, यमुना में स्नान करना, बांके बिहारी की राधा वल्लभ जी को ठाकुर का श्रृंगार दर्शन करना, और उसी दिन दर्शन करके उसी दिन वापस आ जाना। एक दिन रात से जाओ, दूसरे दिन दर्शन करो और वहां से वापस आ जाओ। इसलिए जो जाना चाहते हो इन लोगों साथ में, आप लोगों ने सबसे नाम लेकर के सबका नाम लिखवा देना, लिखवा करके कितने भक्त हो रहे नहीं हो रहे उसको काउंटिंग करके सबके सब श्री वृंदावन आना, ठीक है? कौन कौन आना चाहते हो हाथ उठाओ, जो जो आना चाहते हो सब इनको साथ में ये करना। और देखो और एक चीज समझो, हाँ देखो मैं पहले बता रहा था ये 84 ब्रजमंडल परिक्रमा होता है, हम भगवान को भूल करके 84 लाख जन्म में हम भटकते हैं, लेकिन अगर एक बार कोई 84 ब्रजमंडल परिक्रमा कर लिए 84 लाख जो नहीं खत्म हो जाता है। मैं तो कल पूछ रहा था कौन केदारनाथ बद्रीनाथ गए, कोई गए नहीं, आके गुजर के सब घर में ही है, लेकिन जीवन में सारे तीर्थ करनी चाहिए। अगर सारे तीर्थ नहीं कर पाते हो, अगर श्री वृंदावन धाम जो 84 क्रोश में पृथ्वी का सारे तीर्थ वहां पर आए हैं, इसलिए हमने बताया था 7 दिन के अंदर में हम चाहते हैं पूरा, जिसको 1.5 महीना लगता है हम गाड़ी में इसको 7 दिन में इसको पूरी करना चाहते हैं। अगर कोई जाना चाहते हो 7 दिन के अंदर पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा, आप लोग यहाँ पर हमारे तरुण प्रभु है और प्रभु ये प्रभु लोग है, अगर आप लोग ने इनको अगर नाम दोगे ना हम फोन करके हम बता देंगे कब हम जाएंगे, ऐसे समय पर जाएंगे जब ठंडा नहीं हो गर्मी नहीं हो उसी समय पर जाएंगे, और आपको 7 दिन में पूरा 84 क्रोश पृथ्वी का सारे तीर्थ को दर्शन करा लेंगे, ठीक है? अगर कौन कौन जाना चाहते हो हाथ उठा, जाना चाहते हो ना, आप लोगों ने अपना नाम को देना। देखो जितने गुजरी हो जितने बड़े बूढ़ी, नियम है हम लोगों ने भारत में जन्म लिया कम से कम भारत का तीर्थों को भ्रमण करे। मैंने पूछा कोई घर छोड़कर गए नहीं, घर में चलो, तो फिर भगवान हमें भारत में क्यों जन्म दिया? कम से कम कोशिश करो केवल ब्रज मंडल को परिक्रमा करने ले गई, इसको परिक्रमा कर लिया ना पृथ्वी का सारे तीर्थ तुम्हारी दर्शन हो जाएगी, ठीक है ना? मैं आप लोगों के साथ में रहूंगा, अब सब जगह में ले लेकर के कथा सुना करके पृथ्वी का सारे तीर्थ को 7 दिन में सारे तीर्थ आपकी दर्शन हो जाएगी। इसलिए एक लिस्ट बना करके प्रभु जी, एक लिस्ट बना करके सभी का नाम कर लेना, ठीक है? कब हम जाएंगे उसको डिसाइड करके ठीक कार्तिक से पहले जा करके सब भक्तों को सब दर्शन करा देंगे, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, शिवा प्रभु जी इधर आ जाओ। देखो ये हमारे आपके एक गड़ी के एक गुजर है, आप इनको जानते हो, श्री शिवा प्रभु जी पहले ये गड़ी के रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने कैसे इनकी जीवन परिवर्तन हुआ, ये पहले करते थे क्या लेकिन अभी इतने परिवर्तन की कैसे हुई, वो अपना जीवन चरित्र को सुनाते हुए वो थोड़ी सी आपको बोलेंगे, आप थोड़ी सी सुना। ओ भाग्यां ति बिरंगे ज्ञानस्य सलाख्या सब तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गौर गोपिकाता राधा कांता नमस्तुते तत् कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी यशोवानसुते देवी प्रणामी हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो आज आप सभी के लिए बड़े सुंदर प्रसाद है, हमारे श्री लिखिराम प्रभु जी आज सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था, क्या क्या प्रसाद बनाए? बूंदी प्रसाद, सभी के लिए बूंदी प्रसाद की व्यवस्था की, अब इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। सबसे पहले मैं अपने परम गुरुदेव पवित्र पुण्य गुरुदेव नित्य लीला परवष्टो सद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का वचन नमो प्रणाम करता हूँ और उनकी आयुति की कृपा की वांछा करता हूँ। उपरांत मेरे शिक्षा गुरु भक्ति वेदांत नारायण भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनकी
वांछा की कृपा करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ सब काली गांव के भक्त माता बहन माता पिता सब भाई बंध के चरणों में मेरा प्रणाम और मुझे सबके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। माँ महाराज जी ने बोला कैसे कैसे भक्ति क्षेत्र में थोड़ा बहुत जो भी भजन कर रहा हूँ भक्त लोगों की कृपा से हो रहा है। मैं कोई भजन वजन कुछ नहीं जानता महाराज जी और बस गुरुदेव की भक्तों की कृपा से मैं एक चीज जानता कि नाचना जानता था ठीक है ना। ब्याह शादी में कोई ना तो दे मत दे बस मैं घुस गया बढ़ गया पीछे से और जाके नाचना कूदना बस यही मेरा शौक था बचपन से। हमारे यहाँ इस्कॉन मंदिर है सब जानते ही होंगे इस्कॉन मंदिर है इस्कॉन मंदिर है तो शिव मंदिर देवी कालका देवी का मंदिर है तो वहाँ सब जाते थे। तो मैंने बोला ये देवी का मंदिर भी जा रहे हैं भोले बाबा के मंदिर भी जा रहे हैं अरे अंग्रेजन का मंदिर बनाओ मन की चले हमें जाकर देखें क्या है अगर। तो वहाँ गए तो वहाँ कीर्तन आप देखते हो कल भी हमारा कीर्तन होगा जगन्नाथ जी की यात्रा में ऐसा कीर्तन पूरी पृथ्वी में कहीं देखने को नहीं मिलेगा ना ही सुनने को मिलेगा आपको। तो अंदर जैसे इस्कॉन मंदिर में गए वहाँ जाके देखा जो कीर्तन बड़े जोर का भरा अंदर कीर्तन भरा करा मैंने देखा तो बड़ी तो कीर्तन बड़ा बढ़िया हो रहा मैंने भाई ये तो इससे बढ़िया जगह नहीं मिलेगी कीर्तन वो नाचने का मन करा तो मैं चलो बढ़िया तो नाचे कूदे तो हम तो जैसे ब्याह भरा तो नावन नाच रहे थे अपना देसी नाचना जो भी है वो भक्त लोग बोल रहे भी ऐसे नहीं चलेगा ब्याह भरा तो वाला तुम तो ऐसे नाचो बस जैसे भक्त लोग नाचते मैं भी हल्का फुल्का वो नाचना नाचूंगा दिल से नाचूंगा तो अपने नाचते थे। तो करते करते क्या उन्होंने बोला फिर कोई तो ऐतराज कर रहे कि ये कैसे नाच रहा कहाँ से है बोला गांव के हैं ये ऐसे तो कुछ तो बोल रहे कैसे करे फिर एक तो बोले नहीं ये भी भगवान की सेवा अभी सब नाच रहे हैं ना ये भी भगवान की सेवा है। तो हमारे भक्त लोग बताते ए बी सी डी ई ये ए बी सी डी है ना इसी में सारी भक्ति का रहस्य छुपा हुआ है। ए से आप एकादशी रखो तुलसी को जल दो भक्ति में आगे बढ़ोगे। बी से बुक मतलब जो हमारे ग्रंथ हैं गुरु वैष्णव ने ग्रंथ करे ग्रंथों को पढ़ो हो सकता मैं तो पढ़ता नहीं हूँ आज तक पढ़े भी नहीं मैंने पर आपको बोल रहा हूँ। सी से चैंटिंग जो हरिनाम की माला है ये महाराज जी करते हैं ये हरिनाम की माला है ये आपको करे हुए इसमें भगवान ने सारे महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इसमें महाप्रभु ने ठाकुर जी ने सारी अपनी नाम की शक्ति इसमें डाल दी है। जैसे नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है ना ऐसे इसमें कुछ नहीं है सारी शक्ति इसमें है। आप अपने दिल से सच्चे मन से करोगे तो जरूर जरूर मेरे जैसे व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हो सकता है। तो आप तो सब माता है घर में ठाकुर जी को भोग भी लगाते हैं सब सेवा इतनी करते हैं तो आपका जीवन में जरूर परिवर्तन होगा। आप देखो फिल्मी कोई गाना कितना भी अच्छा हो किसी फिल्म का कितने दिन तक आप उसको सुन सकते हो या गा सकते हो महीना दो महीना तीन महीना फिर बोर लगने लगेगा। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु में हमारे जो महामंत्र है कलयुग में महामंत्र के अलावा कोई ऐसी वो नहीं है इसके अलावा कोई हमारी गति नहीं है। हम यज्ञ नहीं कर सकते हम कुछ और चीज नहीं कर सकते दूध दही घी सब अशुद्ध आज के टाइम में तो महाप्रभु ने महामंत्र में सारी शक्ति डाल दी है। तो इसको करने से जो ना नाम में मेदी में कोई अंतर नहीं है आपको जरूर जरूर आपका जीवन परिवर्तन होगा घर में सुख शांति आएगी। हो गया सी हो गया माँ डी से डांसिंग नाचना कूदना नाचो जैसे अभी सब नाच रहे हो तो नाचना भी ठाकुर जी की सेवा है। कुछ नहीं हो तो मैं हिल दो नहीं करके कर लो थोड़ा थोड़ा तो वो भी आपकी सेवा लगी जरूर नहीं है बहुत ज्यादा नाच सकते हैं कोई ज्यादा नाच लेती है हमारे अंजू दीदी बहुत ज्यादा तो हर किसी की कैपेसिटी भी नहीं होती ज्यादा नाच लेकिन फिर भी ठाकुर जी तो भाव देखते हैं ना भाव में नाचो नाचना होगा ये भी एक भक्ति होगी डांसिंग होगी ए बी सी डी थी ई ई मतलब ई टी हाँ प्रसाद जो भी आप घर में लाओ तुलसी जी वो भोग लगा के प्रसाद को पाना है तो भी हो गया नाचो खाओ और तो भजन करना कोई ज्यादा कष्ट नहीं है कि बहुत ज्यादा भजन करने में जो दो करना छोड़ना कुछ नहीं है जोड़ना है। आप बोलो ना ये छोड़ दो वो छोड़ दो कोई कह रहा चाप ये चाप नहीं छोड़ती मत छोड़ो चाप पीते रहो लेकिन हरि नाम करोगे आराम से चाय से भी आपकी रुचि हट जाएगी। लसन प्याज महाराज जी ने बताया ये इसमें गाय का वो होता है ये नहीं खाना बिल्कुल बाकी आप हरि नाम करो महाराज जी। अच्छा एक बात और बताऊं गुरु जी आप हमारे महाराज जी हैं ये गुरु परंपरा से इनको बिल्कुल साधारण मत समझना हमारे जैसे ही है
ऐसी है ऐसे ये गुरु वैष्णव सिर्फ हमारे ना ही पैसे के लिए आ रहे हैं ना ही किसी के, ये सिर्फ हमारे कल्याण के लिए आ रहे हैं और ना ही जीवन में इन्होंने किसी से कोई धन की अभिलाषा की है, फिर सिर्फ इसी इच्छा से आ रहे हैं कि सब भगलो भजन करें और भगवान के नाम में जुड़े। बस मेरा तो ये जीवन है, नाचते कूदते मुझे ये भी नहीं पता लगा कब में मैं इसमें आ गया। एक बार की और छोटी सी घटना बता रहा हूँ, फिर समय बहुत कम है नाचने के ऊपर बता रहा हूँ। तो जब मैं इस कॉल में थोड़ा थोड़ा जाने लगा, ये 2001 से पहले एक दो साल की बात, तो नाचते कूदते चलने लगा, बड़ा अच्छा लगा। तो वहाँ गए अंदर भक्त जा रहे नाच रहा कूदना, फिर उन्होंने बोला कहाँ भी मैं काड़का देवी मंदिर भी जाता था, काड़ा टीका लगा के जाता था। तो कह रहे जब तुम कृष्ण की भक्ति में आ गए तो देवी का टीका क्यों लगाते हो? मैंने हमारी काड़का देवी है, हमारे पूर्व 300-350 साल से जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, जो हमने सीखा तो जाएंगे। तो कह रहे उन्होंने फिर समझाया कि ये देवी देवता इतने 36 करोड़ 33 करोड़ देवी देवता हैं, आप किस किस का भजन करोगे? तो इसलिए भगवान के उसमें सबका भजन आ जाएगा, कृष्ण भजन करोगे सबका आ जाएगा। जैसे किसी चीज का वृक्ष है, उसके जड़ में जब पानी डालोगे तो सारे पत्ते अपना भरे हो जाएंगे, अलग से पत्तों में पानी डालने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका मुख है, मुख में खाना खाओगे तो पूरा शरीर सब तो अपने आप ही बलिष्ट हो जाएगा, ये जरूरत नहीं है कि जगह जगह हाथ में मुंह में कान में तो हम डालेंगे नहीं, मुंह में डाल लिए सब कुछ हो गया। और सबको आपको पता ही है, महाभारत आपने देखी है, महाभारत में अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप दिखाया, विश्व रूप में भगवान मुख्य है। भगवान ने बोला जब मेरी भक्ति होगी मेरा भजन हो गया तो समझो सारे देवी देवता संतुष्ट हो गए, नहीं क्या हो मंगल बुध बृहस्पति ये सब सब उधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कोई इधर भ्रमित करेगा उधर भ्रमित करेगा, उसके पास जाओ वहां जा रहे हो नाराज होगा। इसलिए भगवान ने बोला पूर्ण भगवान एकदम कृष्ण भगवान है, दादाजी ठाकुर जी है, उनके चरणों में आगे सब चीज होगी, शनि शुक्र कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और भक्ति में जब ठाकुर जी सदगुरु मिल जाएंगे तो सदगुरु भी आजकल देखने में क्या मिल रहा है कि सब कहते हैं अरे बाबा ये तो सब ऐसे ही है, वो जेल चले गए फलाना चले गए, नहीं वो जो बाबा जेल जा रहे कुछ कर रहे उनका मिक्स बड़े बाबा है। जैसे बोलते हैं ना थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं तो उसमें एक असल होती है, एक नकल होती है, उसके नीचे कार्बन उसमें लगा देते हैं, और असल है जब तो नकल है उसकी, इसका मतलब असली साधु भी है पृथ्वी में जो हमारा कल्याण कर रहे हैं। अगर असली साधु नहीं हो, भक्त नहीं हो, महाराज जैसे भक्त वैष्णव ना हो तो धरती अब तक पलट जाती है। तो साधु संत की पहचान कर दी कि गुरु परंपरा में हमारे आ रहे हैं, ब्रह्मा जी से बिरनार जी से व्यास जी से सुखदेव जी से, ऐसे करते करते हमारे गुरु परंपरा होते होते महाराज जी से फिर हम है, फिर आपके बच्चे आगे तक जा रही है। एक भी बीच में तो कोई इसमें वो नहीं है, टूटा हुआ नहीं है कि अलग से कोई खड़ा हुआ, जो अलग से खड़ा हुआ वो नीचे गिरा है। नाम नहीं लेना चाहिए फिर मैं ले रहा हूँ नाम, जैसे राम रही में ये है, इनका कोई संस्था नहीं, कोई परंपरा नहीं, कुछ नहीं, भक्त एकदम तेजी से प्रचार करा ये करो वो करो, लास्ट में क्या नतीजा मिला, सब जेल काट रहे हैं। तो ये भी सोच समझ के गुरु वैष्णव आए, बड़ी बड़ी ही इनकी कृपा है, पूरे देश में विदेशों में दूर दूर तक जाते हैं महाराज जी, इनके बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन इतने कष्ट इतने सेवा कर होकर के आपके प्रति ये है कम से कम भजन में लग जाए। और गुजरों के गांवों में तो मैं तो कह रहा हूँ हमारे गुरुदेव को विशेष ही कृपा है, और ऐसे इस मौके को इसको गुरु जी अपने रिश्तेदारों को भाई को बहनों को सबको लगाओ कि ऐसे सदगुरु ऐसे महाराज जी हमारे बीच में है। अब तक हमें नहीं पता था, लेकिन मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 20 साल हो गए गुरु जी की सेवा में लगते लगते, मैंने ऐसे गुरुदेव ऐसे हो कहीं जीवन देखे, इनकी हृदय बच्चे जैसा हृदय है, सबकी सबकी सुख की कामना करके सबके घर में मंगल हो, सब भजन करे, और मेरे ने तो गुण भी नहीं है अपने साथ लगा कर रखे, पागल मोटा बुद्धि कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरे गुरुदेव मुझे अपने साथ रख, मैं तो बहुत अभागा हूँ, ऐसा जीवन था, इधर करना उधर झगड़ा कोई ले गया चल भी इधर चल, एक गांव की बात हो गांव की लड़की छेड़ दी चलो भी मारेंगे, ये समाज हमारा जैसा उसी समाज में उसी में जी रहा था, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं पता, कुछ नहीं पता था क्या जीवन है, लेकिन पता नहीं मेरे क्या, मैंने तो जीवन में कुछ नहीं करा, गुरु वैष्णव की कृपा से मेरे जैसे उसको, मैं तो कह रहा हूँ मुझसे ज्यादा पापी पृथ्वी में कोई नहीं हो सकता, मेरे पे कृपा करती तो आप सबके जरूर कृपा धन प्रकल कृपा से वृंदावन बिहारी लाल की। देखो ये जो ये आपके गुजर के समाज
ये पहले इतने खतरा था, इसकी नाम जब घड़ी में कोई सुनते ना कांप उठते थे, जिसको जिसको पेट में छुरी मार देता था। ऐसे कोई शराब पीना, ऐसे कोई गंदा काम जो किया ही नहीं, लेकिन इसका जीवन है, जेल भी गया, सब कुछ किया, जीवन में ऐसे कोई काम नहीं जो किया नहीं, लेकिन कैसे उनको ऊपर संतों की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, वो इतने बड़े भक्त बने, इतने बड़े भक्त बने, जैसे पहले दस्यु रत्नाकर था ना, फिर वाल्मीकि बन गया, ऐसे ही ये पहले दस्यु रत्नाकर जैसे था, लेकिन हमारे जो बड़े गुरु जी इनकी कृपा से उसने क्या हो गया, बोले ये दस्यु रत्नाकर से ये वाल्मीकि बन गया। इसलिए अगर हम भी भक्ति करेंगे, ठाकुर जी का नाम करेंगे, हम भी पवित्र हो जाएंगे। इनकी पत्नी भी यहाँ बैठी हुई है, इनकी एक बेटी भी बैठी हुई है, इनके दो बेटे हैं, बड़े बढ़िया अच्छा। उस काल जो गिरिराज गोवर्धन देखा ना, इसका ही बेटा है ये गिरिराज गोवर्धन, इसके बेटा ही बनाए थे, इसलिए उन्होंने पूरा हमारा जो बड़े गुरु जी की सबके सब इनके परिवार बड़े गुरु जी के शिष्य है, गुरु जी के समर्पित है। इसलिए हम लोग भगवान की भक्ति करें, भक्ति से ही हमारी कल्याण होगी। हमारे यहाँ पर इस्कॉन से एक भक्त है, वो थोड़ी सी आपको कथा सुनाएंगे। आप लोग आज थोड़ी देर बाद में कथा के विश्राम प्रसाद होगा, आज लास्ट कथा है, फिर कल रथ यात्रा, फिर एक साल के बाद में फिर दर्शन मिलेगा, इसलिए आप लोग थोड़ी समय बैठ जाओ। हाँ, हरे कृष्ण। देखो कल है सवेरे 9 बजे यहाँ हवन होगी, नीचे हवन होगी। ये जो हवन मैंने कल बताया था आपको, ये साधारण हवन नहीं है, कहते ये सुदर्शन चक्र का हवन है, नारायण कवच का हवन है, ये नरसिंह भगवान की हवन है। जैसे प्रहलाद के ऊपर में बड़ी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देव कृपा किया, सारे विपत्ति से निकाले। इसलिए कल जो हवन होगी बड़ा बढ़िया हवन है। तुम्हारे घर में जैसे किसको काल सर्प का योग, किसको पर शनि का योग, कोई राहु का योग है, अगर उसमें आप आहुति दोगे ना, तुम्हारी सारे जितने सब पाप फाप सारे जो उल्टा पुल्टा जो ग्रह सब खत्म हो जाएगी। इसलिए कल 9 बजे सवेरे हवन होगी, और उसको थोड़ी थोड़ी घर से सामग्री ले आना, हवन सामग्री थोड़ी थोड़ी, अच्छे घी थोड़ी थोड़ी ले आना, हम लोग अपना हाथों से आहुति देना, और उसको बाद में फिर प्रसाद की व्यवस्था सभी के लिए, सभी के लिए प्रसाद हवन हो जाएगी, सभी के लिए पूरा गाँव वासी के लिए सभी की प्रसाद की व्यवस्था, हवन में आहुति देना और प्रसाद लेकर के जाना, फिर शाम को एकदम 3:30 बजे आ जाना, फिर 3:30 बजे फिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी, और सब हम दूर दूर से भक्त लोगों को बुला रहे हैं जो बढ़िया कीर्तन करेंगे। पिछली बार तो थे ना आप लोग ने रथ यात्रा में, पिछली बार कौन कौन थे, सबके सब थे, जैसे बड़ी नाच कूद करते हुए पूरा आली गाँव को वृंदावन बनाए थे। इसलिए कल भी बड़े तोड़ शोर से हम भगवान की कीर्तन निकालेंगे। प्रभु जी आपको थोड़ी सी कुछ कथा सुनाए। हरे ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठं अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरेण वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचम गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे बोले श्रीधर बाबा साधु भगवान की जय हरे कृष्ण महाराज जी के आज्ञा अनुसार मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा सा श्रीमद् भागवत कथा के बारे में बता रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता के बारे में और सबसे पहले मैं गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और उनके दीर्घायु के लिए प्रार्थना करूँगा कि राधा पारसार्थी जी सदैव उनको स्वस्थ रखें खुश रखें और हम सबको ऐसे ही जैसे पहले आशीर्वाद देते आए हैं ऐसे ही सदैव हम लोगों को हर साल की भांति हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें। ये बहुत हर्ष की बात है कि अली गांव में इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है हरिराम हम लोग अली बिहार में रहते हैं फिर भी हम सब परिवार यहाँ एकत्रित होते हैं और हम ड्यूटी पे आते हैं और भाग कर आते हैं सब परिवार को रेडी करके वाइफ सबसे पहले रेडी रहती है सारे बच्चे को रेडी करके रखती है। मैं आता हूँ और तुरंत भाग के आता हूँ कि महाराज जी का दर्शन हो और उनके मुखारविंद से हरि नाम संकीर्तन श्रीमद् भागवत कथा का आनंद उठा सके। ये हमारे लिए आप सब के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है और आप सब के लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ माताएं इतने कृष्ण के प्रति श्रद्धालु हैं इच्छुक हैं भक्ति में इतना श्रद्धा है और हजारों लोगों में आप लोग इतने पवित्र हैं हरि नाम के ऊपर इतने जागरूक हैं कि कम से कम भागवत कथा सुनने आ रही हैं। कितने लोग घर में सोए हैं टीवी देख रहे हैं बैठे हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि भागवत क्या होता है और क्यों हरि नाम लेना है लेकिन आप लोग बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हैं कम से कम हरि नाम पर इतना उत्सुकता दिखा रही हैं इतना तत्परता दिखा रही हैं और महाराज जी का आशीर्वाद पा रही हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है। हम आप लोगों के बीच में श्रीमद् भागवत के बारे में बता रहे हैं कि आखिर श्रीमद् भागवत गीता है क्या। सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता बहुत हजारों साल पहले सूर्यदेव को भागवत गीता का उपदेश दिया गया था भगवान सूर्यदेव ने। उसके बाद मनु महाराज इच्छा को उसके बाद इच्छाकु जी महाराज उसके बाद फिर ये परंपरा चलते आया। ये परंपरा आते आते फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सब लोग भक्ति कृष्ण में हुआ भक्ति में हुआ उसके बाद धीरे 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 लोगों का इससे आस्था धीरे धीरे हटने लगा सब देवी देवता इधर उधर भटकने लगा फिर धीरे धीरे वो लोग अपने अपने जहाँ जहाँ जो देखना था मैंने बीच में एक तरह से बिल्कुल जो मानव है वो बिल्कुल कृष्ण से हटने लगा। फिर जा करके भगवान को लगा कि नहीं भगवत गीता का एक बार फिर से उपदेश देना चाहिए तो अर्जुन को माध्यम बनाए क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र और परम शिष्य भी थे। अर्जुन के माध्यम से हम सब जीवों के कल्याण के लिए मनुष्य जीवन में एक बार फिर से खुशी का अनुभव कराने के लिए हरि नाम के लिए हम सबको भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कुरुक्षेत्र धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाते हैं। और भागवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक है। आज के 7000 साल पूर्व की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिए थे। इसमें अर्जुन को जब देखे भगवान श्री कृष्ण ने कि बुरी तरह से ये माया रूपी बंधन में बंधे हुए हैं कहीं युद्ध भूमि में कहीं अपने मित्र को देख रहे हैं कहीं अपने भाई को देख रहे हैं कहीं अपने गुरुदेव को देख रहे हैं कहीं अपने जीजा को देख रहे हैं सारे को देखते हैं और फिर ये सोच नहीं पाते हैं कि मैं कैसे इन लोगों के साथ युद्ध करूं। समझ नहीं पाते हैं कि मैं आखिर जो कर रहा हूं ये क्या कर रहा हूं क्या मुझे सचमुच में इन लोगों के साथ युद्ध करना चाहिए बहुत संशय में पड़ जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं उसमें एक श्लोक भी आप लोगों को बता रहा हूँ। कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वं धर्म सामोह चेता यक्षलस निश्चितं रोहितामने शिशान्ति अहं प्राहिमं त्वं प्रपन्ने नंद के हे प्रभु हे केशव मैं कृपा दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य को भूल गया हूँ और मैं आपका शिष्य स्वरूप मानता हूँ इसलिए मुझे ज्ञान प्रदान करें क्योंकि अर्जुन इतना बुरी तरह से फंसे हुए थे जब भी अपने आप दांडू को उठाते थे उनके हाथों से फिसल जा रहा था
उनका शस्त्र, उनका अस्त्र शस्त्र उनके बस में नहीं था, वो प्रहार नहीं कर पाना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद भागवत गीता का उपदेश देते हैं, जिसमें श्रीमद भागवत गीता में 574 जो श्लोक है स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं, और करीब 85 अर्जुन ने, एक धृतराष्ट्र ने, और 45 संजय ने, ये 700 श्लोक है। देखो प्रभु जो जो बच्चा इसको तेज करो, कहते जो भगवत गीता ग्रंथ है ये हमारी हिंदुओं का मेन ग्रंथ है, जैसे क्रिश्चियन के लिए बाइबल है और मुसलमान के लिए कुरान ग्रंथ है, उसी तरह जो भगवत गीता स्वयं ये महात्मा गांधी स्वयं कहते हैं कि जब मेरे जीवन में कोई समस्या आता था तब ये भगवत गीता हमें मदद करता था, भगवत गीता हमें मदद करता था। इसलिए घर का ऐसे कोई समस्या नहीं जो कि ये भगवत गीता आपकी दूर नहीं कर सकता, सारे विपत्ति सारे कंफ्यूज से दूर करेगा ये भगवत गीता। क्योंकि कोई कोई सोचते हैं भगवत गीता तो कृष्ण द्वापर में बल बल नहीं, ये गीता नित्य है, जैसे भगवान जब जब जरूरत पड़ता है गोलोक वृंदावन से उतरते, उसी तरह जब जब इस जगत में जरूरत पड़ता है ये ग्रंथ रूप में ठाकुर जगत में आते हैं और किसी को निमित्त बना करके आते हैं। इसलिए आप लोग आज हमारे समय कृष्ण रूप में आएंगे, इसलिए कुछ बात बोलना विशेष, इसलिए आप लोग जरूर एक एक गीता जरूर लेकर के जाना। पहले मैंने बताया था ना, अमेरिका में एक व्यक्ति सुइसाइड करने जा रहा था, उसके भूल से जिस ड्रा में गीता था उसमें था बंदूक, एक गीता की एक श्लोक पढ़ लिया तो वो सुइसाइड करना छोड़ दिया और वो संत बन गया। अभी सारा दुनिया में ये सनातन धर्म को प्रचार कर रहे हैं। इसलिए गीता सारी समस्या को हल करने वाले ये भगवत गीता है, प्रभु का हाथ में जो ये भगवत गीता, आप लोग कोशिश करना वहां पर गीता रखा हुआ, कितने पैसा इधर उधर कहाँ जाता है लेकिन इसका ज्यादा कीमत भी नहीं। आप लोग एक गीता लेकर के जाओ, आप भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ, देखना जब बच्चे गीता पढ़ेंगे एक एक श्लोक, इनकी पढ़ाई भी अच्छा होगी, इनकी पढ़ाई भी अच्छा होगी। घर में जिस घर में गीता पाठ हो उसी घर में राधा गोविंद नित्य उसके घर में विराजमान रहते हैं। इसलिए आप जरूर एक एक गीता लेकर के जाना, खुद भी पढ़ना और बच्चों को भी गीता पढ़ाना, ठीक है। देखो अभी प्रभु जी बैठ जाओ, आप गीता लेकर जा रहा, देखो अभी हम एक दो बात है, जैसे आप लोग एकादशी व्रत रखते हो, आप लोग एकादशी व्रत रखते हो, कौन कौन एकादशी व्रत रखते हो हाथ उठाओ। तो देखो भले ही कोई व्रत रखो और मत रखो लेकिन जरूर एकादशी व्रत रखो। देखना ये भागवत ग्रंथ में कोई बार व्रत का नाम नहीं है, सोम मंगल बुध बृहस्पति कोई व्रत का नाम नहीं, केवल भागवत में एकादशी व्रत की कथा आती है। इसलिए ये एकादशी का नाम कल बता रहे थे ना, एक एकादशी का नाम पुत्रदा, पुत्रदा मतलब क्या है, जिसके घर में पुत्र नहीं है, पहले कृष्ण नहीं थे लेकिन जब नंद यशोदा ने एकादशी व्रत की भगवान कृष्ण स्वयं उनके बेटा बन करके आए, इसलिए एक एकादशी का नाम पुत्रदा, एक एकादशी का नाम है सफला। अगर वो एकादशी व्रत करोगे ना जीवन में हर काम में आपको सफल मिलेगा, इसलिए इसको कल्पतरु व्रत बताया। कल्पतरु मतलब जो मांगोगे एकादशी व्रत करके वही मिलेगा। एक एकादशी का नाम विजया, अगर वो एकादशी करोगे तो तुम्हारे जीवन में विजय विजय प्राप्ति होगी। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, अगर उसको करोगे तो जन्म मृत्यु से जरूर मुक्ति मिलेगी। एक एकादशी का नाम है पाप मोचनी, अगर उसको करोगे जीवन का सारे पाप नष्ट होंगे। एक एकादशी का नाम है मोक्षदा, हाँ जिसको करने से मुक्ति। एक का नाम है इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, जिसको करोगे घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी। इसलिए आप लोग स्वयं पढ़ करके देख लेना, किसी राजा का राज्य चला गया था, भटक रहा था लेकिन एकादशी व्रत किया तो राज्य वापस आ गया। किसकी बिजनेस नहीं चल रहा था, एकादशी व्रत किया तो बिजनेस शुरू हो गया। ऐसे कोई चीज नहीं जो एकादशी व्रत करके आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए ये व्रत का जो अधिष्ठात्री देवता स्वयं भगवान कृष्ण, इसकी अधिष्ठात्री देवता। इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखना, ठीक है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखेगा ना, मैं कल आपको एक छोटी छोटी किताब दूंगा, कब एकादशी करना, कब ये एकादशी का व्रत खोलना, एक छोटी छोटी किताब दूंगा। लेकिन जो एकादशी व्रत रखेगा वही लोग ही
ये ग्रंथों में लेना। देखो जैसे हम लोग हिंदू है, देखना कोई एक व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ है, बिस्तरा में साल साल तक पड़ा हुआ, उसमें टाटी पेशाब कर रहा है, उसको मुक्ति नहीं मिलता है। आप किसी ब्राह्मण को बुलाओ, इनकी जल्दी से जल्दी उद्धार कैसे होगा? देखना वो कोई सौ मंगल कोई व्रत का नाम नहीं बताएगा, वो बोलेगा कोई एकादशी व्रत करके इनका फल दे सकते हो? केवल एक व्रत का नाम बोलेगा, एकादशी व्रत की कथा बोलेगा। इसलिए एकादशी का इतनी महिमा एक श्री एकादशी व्रत की। इसलिए कहते ये जो एकादशी व्रत है, एकादशी व्रत का दिन अर्ण में नहीं ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि अर्ण में जितने तरह का पाप, गोहत्या, नरहत्या, भ्रम हत्या, सारे पाप एकादशी का दिन ये अर्ण में निवास करता है। जैसे चावल, गेहूं, हाँ सरिषा, दाल, ये सब चीज नहीं खानी चाहिए, इसलिए उसमें गोहत्या, नर, सारे पाप निवास करते हैं। इसलिए एकादशी का दिन जो व्यक्ति अन्न भोजन करेगा, सारे पाप उसको भोगना पड़ेगा, सारे पाप उसको भोगना पड़ेगा। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसको क्लियर करो, बुधवार, मंगलवार, देखना अगर ये व्रत का आप नहीं करोगे ना, कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर एकादशी अगर तुम नहीं करोगे इसका दोष है, अगर एकादशी नहीं करोगे तो इसका दोष है। लेकिन अगर एकादशी व्रत नहीं करोगे उसका दोष है, लेकिन अगर अगर और कोई व्रत नहीं करोगे ना, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन एकादशी नहीं करोगे उसको दोष लगेगा। इसलिए देखो, मैं यूरोप में गया था, ध्यान देकर सुनो, मैं विदेश जाता हूँ, मैं यूरोप गया था, एक व्यक्ति हॉस्पिटल में दो साल तक पड़ा हुआ था, शरीर हड्डी हड्डी रह गया था, किसी तरह से प्राण शरीर से नहीं निकले, गले में अटक गया था प्राण किसी तरह से नहीं, और पैसा पानी जैसे खत्म हो रहा था घर से। मैं जब गया यूरोप में, किसको पता चला भैया इंडिया से कोई संत आए हैं, तब मेरे को बुला करके हॉस्पिटल ले गए, लेकर के बोले बाबा ये दो साल से बिस्तरा में पड़े हुए, इनके प्राण नहीं निकल रहा है, आप कोई उपाय बताओ। मैंने कहा एक काम करो, पूरा परिवार मिल करके इनको एकादशी व्रत करके फल दो। बोले अभी 10 दिन बाकी है, इनके दुख देखा नहीं जा रहा है। मैंने कहा आज संकल्प करो, सबके हाथ में पानी दिया, संकल्प करो हम सबके सब एकादशी व्रत करके इनके फल हम देंगे। जब संकल्प किया ना, एक घंटा दो घंटा बाद में फिर शरीर छूट गया उसको। बोले इसमें इतने शक्ति एकादशी व्रत में, इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखना, भले ही कोई व्रत मत रखो, कोई उसमें हानि नहीं, और एकादशी व्रत करने पर सारे देवादेवी प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? ये भगवान कृष्ण का ही ये व्रत है, ठीक है ना? सबके सब एकादशी व्रत रखियो, और भगवान की और भागवत का जो सार है वो ठाकुर जी का नाम है, इसलिए सबके सब ठाकुर जी की नाम जप करना और एकादशी व्रत रखना, ठाकुर का सेवा पूजा करना, और मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना, बीड़ी सिगरेट दारू फारू नहीं पीना, और भगवान की भक्ति करना। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कृष्ण रुक्मणी तैयारी है? कृष्ण रुक्मणी कहाँ है, कहाँ से जाकर? दो मिनट, हरि बोल। कल एक चीज, एक इंसिडेंट, एक घटना बताना भूल गया था, मतलब रह गई थी, समय कम था, आज वो बता रहा हूँ, कान खोल के इसको सुनिए। हमारे एक प्रभु जी हैं, महाराज जी के ही शिष्य हैं, वृंदावन में रहते हैं, और 3 साल से लगातार एटा में रहते हैं, उनका घर एटा में है, एटा में 3 साल से लगातार भागवतम करा रहे हैं। उनका वृंदावन में घर कंस्ट्रक्शन चल रहा था कुछ काम, तो वहां पे एक मजदूर काम कर रहा था, मिस्त्री काम कर रहा था, और वो बिहार का रहने वाला। देखो वो क्या हुआ, उसके 2 बच्चे हैं और एक लड़की। वो क्या, एक बार आया, काम कर रहा था, तो अपने बड़े लड़के के साथ आया। तब महाराज जी वृंदावन में आए हुए थे, और मदन प्रभु के कहने पे, वो जो जिनके घर में काम चल रहा है, उनके कहने पे उसने आया, महाराज जी से मिला, तो महाराज जी से क्या ले लिया, हरिनाम ले लिया और कंठी ले ली, ठीक है। बाद में अगली बार छोटा बेटा भी आया,
तो छोटा बेटा बोलता रहा कि मुझे भी दिलाओ, तो उसके पिताजी ने कह दिया कि छोड़, तू बहुत छोटा है, थोड़े टाइम के बाद दिला देंगे, चल तेरे को अगले साल दिला देंगे, ऐसे ऐसे करके उसको थोड़ा सा टाल दिया। घर पे काम चल रहा है, कुछ टाइम पे क्या हुआ, उस मजदूर के, वो जो मिस्त्री है, उसके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति था जो उससे बहुत चिढ़ता था, बहुत जलता था, कुछ टोना टोटका किया, किस पे, उसके परिवार पे। कहाँ रह रहे हैं वो लोग अभी, वृंदावन में। छोटा बेटा सो रहा है, अचानक से पापा को जगाने लगा कि पैर पे कुछ काटा है, तो उसके पापा ने बोला सो जा, मच्छर होगा, कोई कीड़ा होगा, सुबह देख लेंगे। 15 मिनट के बाद देखा तो उस बच्चे के मुंह से झाग निकल रहे थे और वो बच्चा खत्म, ऑन द स्पॉट, छोटा बच्चा, वो खत्म। बस जैसे तैसे उन्होंने आनंद फानंद में ऐसे किया। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उसकी छोटी बहन पे वो छोटा बच्चा आने लग गया। क्या हुआ, वो छोटा बच्चा आने लग गया, आके कहता है कि मैं उन प्रभु जी के घर में नहीं जा सकता, जिनके घर में काम चल रहा था ना, कहते वो नीला दरवाजा मुझे रोकता है, एक और नीला दरवाजा है वो भी मुझे नहीं रोकता, वरना मैं गुरु जी के पास चला जाऊं। कहां, हमारे मठ में आओगे ना तो मठ के दरवाजे नीले हैं, कहते वहां नहीं जाता, और वहां पे बहुत बड़े बड़े प्रेत पहले से ही बैठे हुए हैं, मुझे डरा के भगा देते हैं, हाँ कोई मेरे को छेड़ता है वहां तो मैं उनके डर से भी नहीं जाता। तो हिम्मत करके उन्होंने देखा, उससे बात करी, तो उसने पता क्या कहा, कहता मैं अपने पिताजी से नाराज हूं। पता क्यों, क्योंकि वो जो टोटका किया था ना, वो पिताजी पे किया था, पर पिताजी ने क्या ले रखा है, हरिनाम और गले में कंठी, और बड़ा भाई भी सो रहा है, उसने भी क्या ले लिया था, हरिनाम और कंठी, पर क्या हुआ ना, मुझे नहीं दिलाया ना, तो देखो वो मुझे काट के चला गया, वरना इन दोनों को छोड़ दिया और मुझे काट दिया। पिछली बार जो अभी एटा में भागवतम हुई थी, मैं भी 7 दिनों में महाराज जी कृपा से उनके साथ ही, महाराज जी के साथ साथ ही वहां था, तो एक बच्चे की फोटो वहां भागवतम के सामने रखी थी, तो मैंने उनसे पूछा ये आपका कोई रिश्तेदार है, तब उन्होंने मुझे बताया। और मदन प्रभु खुद, वो कहते कहते मुझे भी थोड़ा सा लगा, तो मैंने क्या किया, अपने घर के बाहर निकला, जब मुझे ये बातें पता चली, मैं प्रसाद पाके अपने घर के बाहर निकला, सोचा उस बच्चे का नाम मैं भूल गया हूं, तो ऐसे उन्होंने बोला कि एक बार हिंट देखता हूं कि वो है भी या नहीं, वो कहता है ना मैं यहीं घूमता रहता हूं, मुझे गुरुजी से मिला दो। अब पता क्या हुआ, वो खड़े हुए हैं और एक बार ऐसे बोले कि भाई अगर तू यहां पे है ना, तो कोई ऐसा हिंट दे जिससे मुझे पता चल जाए तू यहीं पे है और मेरी बात सुन रहा है, मुझे देख रहा है। उनकी स्कूटी खड़ी थी, चाबी घर के अंदर टंगी है, इंडिकेटर जलने लग गए, स्कूटी बाहर खड़ी है, चाबी अंदर टंगी है और उनके गाड़ी के इंडिकेटर जलने लगे। तब उस बच्चा जब वो अपनी बहन पे आया ना, तो उनको ने बोला कि अब टेंशन मत ले, भागवतम एटा में होने वाली है, हम तेरी फोटो भी वहां रखेंगे, तेरे नाम पे भी प्रार्थना करेंगे, तू उस भागवतम में आ जाइयो। तो कहता बस मेरे लिए ये करा दो। वो भागवतम के बाद अब उसकी कोई खबर नहीं। देखो ये हरिनाम और ये कंठी माला ले लो, ये मैं कल सुनाने वाला था, पर ये आज समय मिला महाराज जी से, जबरदस्ती समय लिया मैंने कि नहीं मुझे ये महिमा बतानी है, क्योंकि ये ही चीज हमें समझ में आती है। ठीक है, तो जो जो फालतू बैठे हैं पालतू हो जाओ, वरना इन टोने टोटके और ऐसी ऐसी बुरी चीजों से कौन बचा सकता है, केवल ये हरिनाम और ये कंठी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ले आओ कृष्ण रुक्मिणी को, ले आओ साथ में, ले आओ भैया, कृष्ण रुक्मिणी कहाँ है, बोले श्री रुक्मिणी रामायण भगवान की जय। अब सुदामा तैयार है ना, सुदामा तैयार, हाँ ठीक है। देखो श्री भीष्मक राजा के 5 बेटे और सबसे छोटी बेटी से रुक्मिणी, वो साक्षात माँ लक्ष्मी, नारद जी उनको कृष्ण कथा सुनाते सुनाते उनको पूरा कृष्ण भक्तिमय बना दी, बोले मैं शादी करूंगी तो द्वारकाधीश से, लेकिन उसको बड़ा भाई बोले नहीं हम तो शादी कराएंगे शिशुपाल से। इतने में रुक्मिणी, भैया उन बच्चों को ले आओ, कहाँ कृष्ण रुक्मिणी है, उनको लाने वाले कौन, कोई है कि नहीं यहाँ पर, हाँ ले लेकर के आ जाओ। इसलिए बोले मैं शादी करूंगी तो द्वारकाधीश से। इतने में उसने एक ब्राह्मण को बुला करके एक प्रेम पत्र लिख करके उन्होंने भेज दिया, कहाँ भेज दिया, श्री कृष्ण को पास में। अभी कृष्ण को डिटेल से सब कुछ बोल दिया, बोले प्रभु मैंने आपको पति मान लिया है,
अगर आप मेरे को उद्धार नहीं करोगे ना, जन्म जन्मांतर तक शरीर त्याग करूंगी, लेकिन ये सियार को शादी नहीं कर सकता हूँ, शिशुपाल को शादी नहीं कर सकता हूँ, आप कृपा करके मेरे को उद्धार करो। बोले उद्धार कैसे करोगे? बोले हमारी एक नियम है, बेटी शादी से पहले घर से बाहर जाती है माँ देवी को पूजा करने के लिए, जब मैं जाऊंगी ना उसी समय मेरे को उद्धार करना। अभी शिशुपाल का जितने सैन्य सामंत चार तरफ में खड़े हुए, जैसे कृष्ण नहीं आ पाए, इतने में जब रुक्मिणी अपना सहेलियों के साथ में देवी पूजा करने के लिए गई, शंकर पार्वती प्रकट हुए, वेद मंत्र से उन्होंने शादी करा दिया, लेकिन किसको पता नहीं चला। इतने में जब रुक्मिणी निकली, रुक्मिणी कौन है? ये जगदम्बा जगत जननी माँ लक्ष्मी, इतने सुंदरी रुक्मिणी थी। उसने जब अपना घूंघट निकाली ना, इतने सुंदरी थी, वहां पर सबके सब देख करके बेहोश हो गए। और वहां पर भगवान श्री द्वारकाधीश प्रकट होकर के रुक्मिणी को रथ में बैठाए और लेकर के उन्हें चले गए। बोले श्री रुक्मिणी रमण भगवान। इतने में सनी का होश आए, बोले भैया रुक्मिणी कहीं का? बोले जिसका था तो उसने ले गया। इतने में दाऊ भाई आ गए, बोले कन्हैया कोई चिंता मत कर, तू रुक्मिणी के लिए चले जा, मैं इनको देख लेता हूँ। अपना उठाया हाल और मुसल, सबको मार मार कर उनको भगा दिए, और कृष्ण रुक्मिणी द्वारका में गए, और बड़े धूमधाम से भगवान की शादी हुई है। बोले श्री रुक्मिणी रमण भगवान की जय। जय श्री राधे। अभी सुदामा को भी, सुदामा को भी ठीक कर दो, सुदामा को भी ले आना, और कृष्ण रुक्मिणी को ले आओ अपने भजन के लिए। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की जय। बोले द्वारका देश की जय। जय जय श्री राधे। ले आओ कृष्ण रुक्मिणी को। किया सहे बड़ी को तो बड़े जो जमने पर बजाओपाल जो जस पुड़ नया मन भगन भगन हरियाओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो सुंदर की दुल्हन बना दो हर मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो सुंदर की दुल्हन बना दो सत्संग में मेरी बात चलाए सत्संग में मेरी बात चलाए सतगुरु ने मेरी नींद सजाए सतगुरु ने मेरी नींद सजाए उनको लगे Thank you.
सुदामा जी के बीच में सुदामा जी के बीच में थोड़ा रास्ता देते ना पीछे से ले आ सुदामा जी को पीछे से ले आ जाओ 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 अरे प्यार पाल उसका नहीं आशिक हो दो कि दिल पे सुदामा करी बाबा सुदामा करी Thank you.
कसम पे है कसरी, कसम पे है जावा, कसम पे है जावा, Yeah.
एक गोजरी भजन मुझे रिक्वेस्ट किया गया था इस भजन को गाने के लिए। हाँ सुदामा बैठा रहे, कोई बात नहीं। देखो इस समय अगर जो सुदामा को जो चावल लाएंगे और अगर कोई साड़ी लाए ना घर में ना जो देना इस समय आप दे सकते हो। और सभी जो गुजरी लोग हैं वही सब नाचेंगे। ओ तेरी मीठी लागे खास गुजरिया बरसाने वाली, ओ तेरी मीठी लागे खास गुजरिया बरसाने वाली, मीठी लागे खास गुजरिया बरसाने वाली, हाँ बरसाने वाली किनारे पे बरसाने वाली, बरसाने वाली तेरी मीठी तेरी मीठी लागे बरसाने Oh,
क्या कर पावे दोनों हाथ करो मेरी भैया क्यों करता तेरी दोनों हाथ करो मेरी भैया क्यों करता तेरी अरे बसिया पूरन हो रे देश मेरे मन हर तेरी बसिया पूरन हो रे देश मेरे मन हर तेरी तेरी लो तेरी लो तेरी लो बसिया तेरी
अब एक होली होगी उसके बाद आरती। एक होली देखो, होली में सबको नाचना पड़ेगा, ठीक है? सबको सब होली में नाचना, कोई नाचे नहीं है। बोलो होली के रसिया की। ये भक्त के सामने से थोड़ा हट गई है, मुझे सुना नहीं पड़ा। ये भक्त के सामने हट जाए। ओ मेरी चुनरी में, ओ मेरी चुनरी में चले गए दामोदरी, चलो 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 चलो
काले काले अब उसको जला दी आरती आरती के बाद आरती के बाद गए आरती के बाद और आरती आप लोग आरती को बुझा सकते हैं ये है आरती आरती हो जाए उसके बाद में गए ठीक है आरती जला आरती के बाद उसके बाद भी कार्य कार्य गाने सुना देंगे सभी नाचने की प्रतीक्षा में रहना आरती के बाद श्री भागवत भगवान की है आरती।